ओडिशा में रूसी टैंक पर अटैक किया गया है। ब्रेक करिए, यूक्रेन की मैकनाइज ब्रिगेड ने बनाया निशाना विद विजुअल। T-72 टैंक में भीषण धमाका हुआ, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ओडिशा में रशियन टैंक पर अटैक किया गया है, ये उसके सामने मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं। यह बड़ी खबर हैरान करने वाली है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूसी हमले में जर्मन लेपर्ड टैंक दबा हो गया। रोबोटिनो में दिखा टूटा फूटा जर्मन लेपर्ड टैंक, विदेशी हथियारों को निशाना बना रहा है रूस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डरावने इलाके में तब्दील हुआ बाकमुक। दिखाइए जरा, बाकमुक में एक भी मकान रहने लायक नहीं बचा, यह देखिए जरा। नए वीडियो में दिखा बाकमुक में हर तरफ डरावना मंजर, पूरे शहर में दिखी सिर्फ टूटी फूटी इमारतें। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, क्या किया है इस युद्ध ने। एक तरफ जर्मनी के मिले लेपर्ड टैंक और दूसरी तरफ ये देखिए जरा आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर ये देखिए, नेटो पर हमला बेलारूस तैयार, नेटो पर हमला बेलारूस तैयार। ये मैप मैंने आपको क्यों दिखाया था, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, पीछे रशिया, क्या पक रहा है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम को रूस की बहुत बड़ी धमकी। ब्रेक करिए, बेलारूस पे हमले के होंगे गंभीर नतीजे, अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेगा बेलारूस, बेलारूस पर अटैक का विध्वंसक जवाब देगा रूस, बेलारूस में मौजूद रूसी राजदूत का बयान, यह बहुत बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बेलारूस पर अटैक भारी पड़ेगा, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। यह बड़ी खबर है, सीधे आइए, पश्चिम को रूस की एटमी धमकी, ये जो जानकारी आ रही है सीधे देखिए, फैक्ट देखिए राहुल, सीधे की ग्राफिक्स दिखाइएगा। इसी के साथ बेलारूस पर कोई भी हमला जो है वो, कोई भी हमला रूस पर हमला माना जाएगा, जवाब में हम अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही पश्चिम को यह बात बता चुके हैं, किसी भी तीसरे देश को सैन्य हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। बेलारूस में रूस ने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं, बोरिस ग्राजलोव, बेलारूस में रूस के प्रतिनिधि, वो ये कह रहे हैं। बिग वॉल, सीधे आइए सवाल पर, ये बहुत बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्या रशिया ने बेलारूस से युद्ध पर धमकी दी है, सोचिए। नेक्स्ट दिखाइए, क्या नेटो बेलारूस में युद्ध की आशंका बढ़ी है, नेक्स्ट दिखाइए। राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट भी रखिए, क्या बेलारूस पर पोलैंड या यूक्रेन हमला करेंगे, नेक्स्ट दिखाइए। क्या बेलारूस में मौजूद न्यूक्लियर वेपन अटैक मोड में है, क्या बेलारूस वर्सेस नेटो होगा, यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के लिए सीधे चलिए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट और ये वाली वॉल लीजिए, सीधे प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, क्या लग रहा है आपको, यह चिंताजनक खबर है। लेकिन निशांत, मैं अगर आपको याद होगा, पता नहीं आप कितने उम्र थी, आपकी क्या थी, 1991 की बात बोल रहा हूँ, जब सोवियत यूनियन का विघटन हो रहा था तो एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था, मिंस्क एग्रीमेंट बोला जाता है, और उसमें यूक्रेन, रूस और बेलारूस, ये तीनों देशों ने निर्णय लिया। सर, मेरे ठीक पीछे बेलारूस में वो मिंस्क जो है, यहाँ पर वो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ लोकेशन वाइज, जो आप मिंस्क, ये वहीं पे इन तीनों देशों ने निर्णय लिया था कि सोवियत यूनियन का विघटन होगा, अगर ये तीनों देश अगर नहीं होते तो सोवियत यूनियन का विघटन नहीं होता। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों, यूक्रेन और बेलारूस, रूस के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और किसी भी हाल में अभी जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए कर रहा है रूस, क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के साथ नहीं देना, जाने देना चाहता, उसी तरह से बेलारूस को हर हाल में रूस बचाएगा। बेलारूस उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप क्राइमिया या रूस के अपने टेरिटरी को ले लें, और लुकाशेंको का जो रेजिम है वो इसलिए वहां पे बचा हुआ है क्योंकि पुतिन ने उनको बचाया पहले, और इसीलिए लुकाशेंको का कमिटमेंट भी पुतिन को लेके काफी ज्यादा है, नहीं तो वहां पे जो एक कलर रिवॉल्यूशन है वो पश्चिमी देश कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि रूस ने विफल करवा दिया था, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो यह मान के चले कि हर हाल में बेलारूस को रूस डिफेंड करेगा, किसी भी एक्सटेंड तक जाएगा। आज के समय में एक ही पार्टनर है रूस का जो कि सही अर्थों में उसके साथ सामने खड़ा है, वो है बेलारूस, और किसी भी हाल में उसको बचाएगा। और क्या आपको लग रहा है बेलारूस वर्सेस रशिया नेटो हो सकता है सर? नहीं, ये बेलारूस वर्सेस नेटो नहीं होगा, ये रशिया बेलारूस एक साथ और वर्सेस नेटो होगा, एक तरह से विश्व युद्ध की अगर शुरुआत होगी तो वहीं से होगी।